अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं सैयद ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पिंडी बॉयज़ ऑफिशियल। आज का मेरा टॉपिक मेरे गाड़ियों बनाना, रिपेयर करना और लेमोजीन से थोड़ा हट के है। तो ये हट के इसलिए है कि ये थोड़ा वीज़ा इंफॉर्मेशन से रिगार्डिंग है कि यूएसए का E2 वीज़ा कैसे लेते हैं। E2 ट्रीटी वीज़ा है, पाकिस्तान के साथ एक ट्रीटी साइन हुई थी यूएसए की, और भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ साइन हुई थी, टोटल 59 कंट्रीज़ के साथ साइन हुई थी। तो किसी भी मुल्क का बिजनेसमैन, मतलब जो भी कारोबारी बंदा है, वो यहाँ पर भी अपना कारोबार ओपन कर सकता है। बस हो ये कि $1,00,000 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसके पास होनी चाहिए, जो कि वो यहाँ पहले इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट करेगा कैसे? सबसे पहले इसके 4 प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस ये है कि आपको सबसे पहले यहाँ आके अपना ऑफिस या कोई पार्किंग या किसी इस तरह, जैसे अब मैं रेंट ए कार कंपनी का हूँ तो मुझे पार्किंग लेनी पड़ी, ऑफिस लेना पड़ा, सोशल सिक्योरिटी नंबर उसके बाद इशू होगा। उसके बाद आप लोगों का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये इंटरव्यू लेते हैं एंड में, और आके आपका सारा जो आपने इन्वेस्ट किया है, कितनी गाड़ियाँ ली हैं, 3 ली हैं, 4 ली हैं, जैसे कि यहाँ पर रेंट ए कार की 2015 से अबव गाड़ी होनी चाहिए, और उसकी मालियत की रसीदें आपके पास हों कि कितने कितने की आपने कौन कौन सी गाड़ी ली। बाज़ औक़ात तो एक गाड़ी में $1,00,000 पूरा हो जाता है, लेकिन चलें आपकी मर्ज़ी। ये तो रेंट ए कार की बात हो गई। सेल परचेज़ ऑफ कार्स, मसलन $1,00,000 आप लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया और एक एक चीज़ काउंट होगी, जो ऑफिस में पैसे लगाए हैं वो भी गिनती में आएंगे। बाज़ औक़ात तो आपका रेंट, आपका ऑफिस, आपका जो भी एक्सपेंडिचर है, कहने को एक आसान चीज़ के इनकी आवाम को आप जॉब दे सकते हैं। इनकी आवाम मसलन के यहाँ रहने वाले लोगों को आपने जॉब देनी है, 2 साल का आपको ये वीज़ा देंगे अगर आपने ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली। 1 साल के अंदर आपका प्रॉपर टैक्स जाना चाहिए, टैक्स नंबर आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर एक मिलेगा, उसमें आपका टैक्स जाना चाहिए। टैक्स जाएगा, टैक्स जितना भी आपके लिए जाएगा उतना आपके लिए फ़ायदा है। आपको प्रॉफिटेबल करना है अपना बिज़नेस, चाहे जितना भी प्रॉफिटेबल हो आपको सारा डिक्लेयर करना है कि आपने इतना मुनाफा कमाया है। जैसे कि $3,000 $4,000 भी है तो बहुत है, आपको दिखलाना है। अगली बार वीज़ा तब रिन्यू होगा, वरना रिन्यू नहीं होगा। और एक सबसे मेन सवाल, ये आपको ग्रीन कार्ड नहीं दिलवा सकता, ये वीज़ा ग्रीन कार्ड नहीं दिलवा सकता। इसलिए ग्रीन कार्ड नहीं दिलवा सकता कि इसकी कैटेगरी में एक और वीज़ा है, EB2, EB5, इस तरह की कैटेगरी का वीज़े हैं। इसमें आप $1,000,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये ग्रीन कार्ड ग्रांट करते हैं, वो भी 2-3 साल के बाद, लेकिन इस वीज़े में आपको नहीं मिलता। अलबत्ता इस वीज़े में आपको ये है कि आपकी जो स्पाउस, आपके जो बच्चे, जितने भी बच्चे और आपकी जो स्पाउस है उसको भी सोशल सिक्योरिटी नंबर, उसके बाद वो यहाँ पर जॉब कर सकती हैं, लीगली जॉब कर सकती हैं। जो भी बाकी इधर के लोगों के राइट्स हैं आपको वो मिलेंगे, लेकिन आप वोट नहीं कर सकते, तो वो वोट आपको यहाँ करना भी क्यों। अलबत्ता इस वीज़े के रिगार्डिंग मैंने सबसे ज़्यादा अच्छी और मुफीद इन्फॉर्मेशन बैरिस्टर एहतिशाम से हासिल की है, जो उनका ऑफिस वर्जीनिया में है। इस टाइम मैं मैरीलैंड, इधर USA की एक स्टेट है, यहाँ पर हूँ। इधर ही हम लोगों ने ऑफिस वगैरह भी काफ़ी ढूँढे हैं। अलबत्ता टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को गाइड भी करता रहूँगा कि मैंने कैसे स्टार्ट किया और कहाँ तक मैं पहुँच गया। ऑफिस, पार्किंग स्पेस, ये सब तक का तो मैं काम कर चुका हूँ। अलबत्ता अभी भी काफ़ी चीज़ें करनी रहती हैं, लेकिन E2 इन्वेस्टर वीज़े में सबसे ज़्यादा आसान चीज़ ये है कि इसका सक्सेस रेट 99% है। 1% लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि वो मिस इन्फॉर्म करते हैं इधर की गवर्नमेंट को। सबसे ज़्यादा ये कि वो अपना कोई भी फंड्स यहाँ से भी लाएंगे, उसका उनके पास कोई प्रूफ वगैरह नहीं, या फिर वो कैश ले आएंगे। तो इस चीज़ की भी सबसे ज़्यादा आपने केयर करनी है कि जो दुबई या पाकिस्तान या जिधर भी आपका बिज़नेस है दुनिया में, उधर से उस अकाउंट से यहाँ के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हों, उनकी रसीद हो आपके साथ, वरना ये इस चीज़ को बहुत सीरियस लेते हैं और वीज़ा पहली सुनवाई पर रिजेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें पूरी हों तो आप ये E2 ट्रीटी वीज़ा अप्लाई कीजिए, वरना इसको अप्लाई मत कीजिए, बिकॉज फिर ये ब्लैक लिस्ट भी कर देते हैं। सबसे पहली चीज़, आपका अपना पर्सनल अकाउंट भी यहाँ पर होना चाहिए, आपका बिज़नेस अकाउंट ज़ाहिर है जिस कंट्री में भी आप बिज़नेस करते हैं वहाँ पर होगा, उससे फंड्स यहाँ ट्रांसफ़र हों। ट्रांसफ़र होने के बाद उसी अकाउंट से गाड़ियाँ या जो भी चीज़ आपने परचेज़ करनी है परचेज़ की जाए,
उन चीज़ों का टैक्स दिया जाए, यहाँ पर टैक्स काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो भी काउंट होगा, उस 1 लाख में वो भी काउंट होगा जो आप टैक्स पे करेंगे। उसके बदले में अगर आपके बच्चे छोटे किसी भी एज के हैं तो 12th स्टैंडर्ड तक फ्री पढ़ाई होगी, मेडिकल फ्री होगा, मतलब जो यहाँ के लोगों को सहूलियात हैं सारी आप लोगों को मिलेंगी। टॉपिक पर मेरी पहली वीडियो है, मैं वीडियोस बनाता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप, आपको कोई क्वेश्चंस हो मुझे पूछे, मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको रिप्लाई भी करूँगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।